मुश्किलें बहुत आती है, गिरते हैं, सब लोग गिरते हैं। ये लोग को फिलहाल बच्चे हैं, मोल्डिंग ग्रोइंग ईयर्स में हैं और इनको सिर्फ थोड़ा साथ, थोड़ा प्रोत्साहन की ज़रूरत है। और इसलिए मैं हूँ क्योंकि मैं भी इन्हीं के जैसे एक छोटी बच्ची थी और ये नहीं कहूँगी कि इनके जैसी मुश्किलें देखी, पर हाँ मैंने भी मुश्किलें देखी है। तो मैं जानती हूँ कि ये लोग जो मुश्किलें देख रहे हैं वो तो मुझसे कई ज़्यादा है, तो एग्जैक्टली नो व्हाट दे गोइंग थ्रू। तो आई एम जस्ट हियर टू बी विद देम एंड टू टेल देम कि मुश्किलों से ही बढ़कर जो आगे बढ़ते हैं वो लोग जीतते हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे लाइफ में मेरे लिए एक आइडल मिली कि उनके तरह मुझे भी आगे बढ़ना है। पहले तो बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ऐसे सोसाइटी से आकर भी ये लोग 72% 75% टॉप 5 में रैंक कर रहे हैं क्लास में, दे स्टडिंग सो वेल। एंड वो खुशी, जो मासूम खुशी, जो हंसी इनके चेहरे पर है, वो तो इट्स आई थिंक प्राइसलेस। पूजा दीदी से मिल के हमें और प्रोत्साहन मिला, इंकरेजिंग मिली कि हम आगे बनकर आगे जाकर कुछ बन सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। बहुत अच्छा लगा। ऑब्वियसली उनकी यार, आप मेरी और उनकी स्माइल कंपेयर भी कैसे कर सकते हैं। उनकी यार मासूम बच्चे यार, फूल कहते हैं ना, फूल की पंखुड़ियाँ, आप फूल की पंखुड़ियों को कैसे किसी से कंपेयर करें। हम हमेशा आगे बढ़ना चाहते हैं, हमारी ज़िंदगी अच्छा करना चाहते हैं। मम्मी की बहुत याद आती है यार, मतलब आप वो कहते हैं ना दुखती नस पकड़ लेते हो, तो वो गलत बात है, ऐसे नहीं करना चाहिए। मम्मी की बहुत याद आती है क्योंकि बचपन से हमेशा ही मम्मी रही है साथ में। तो अभी तो फ़ोन पे भी बात करने का टाइम नहीं मिलता क्योंकि जब शो ख़त्म होता है, जब लैंड करती हूँ एयरपोर्ट से तो 1-2 बज गए होते, तो मम्मी सो जाती है पूना में, तो मिस याद आती हूँ। शेड्यूल तो चालू ही है, ऊपर से सबीरा मर्चेंट मैम से मिल रहा है क्वेश्चन आंसर्स के लिए, विनीता मैम हमको डाइनिंग टेबल एटिकेट सिखा रही है, और इवॉल्व हमारे स्पा पे वर्क कर रहे हैं, रिचफील हमारे हेयर पे वर्क कर रहे हैं, डॉक्टर रेखा सेठ हमारे स्किन पे वर्क कर रहे हैं, हमारे डिज़ाइनर जो ऋतु कुमार है, विक्रम फर्निस है, मोनिशा जय सिंह है, और ऐसे बहुत सारे डिज़ाइनर्स हैं, वो लोग हमारे मेरे वार्डरोब के लिए वर्क कर रहे हैं। तो बहुत बड़ी टीम है जो इन्वॉल्व है, और उससे भी बड़ी टीम है टीम इंडिया जो प्रे कर रही है। तो